ज़बरदस्त। ये देखिए हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए हैं, हमने इसको डिश में निकाल लिया है। कितने खूबसूरत ये हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हुए हैं पोटैटो के साथ। हमने इसकी कैचअप रखी है, वहाँ इसको गार्निश करिए, धनिया फ्लावर बरसा रहे हैं हम, बिल्कुल छोटे छोटे धनिया से इसको हम गार्निश कर रहे हैं। सुपर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे ब्रेड व्हील बन के पोटैटो के रेडी हो गए। जल्दी से जाइए हमारी रेसिपी से इसको ट्राई करें और टी टाइम इंजॉय करें। अब मैं और महा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको और ऋषा और महा का सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी आपके लिए यूनिक सी डिश लेकर आए हैं टी टाइम की। टी टाइम के लिए आज हम बनाएंगे ब्रेड व्हील, पोटैटो ब्रेड व्हील बनाएंगे आज हम। महा आपको बताना स्टार्ट करेंगी कि किस तरीके से हम बनाएंगे। ये हमने पोटैटो लिए हैं आधा किलो, और थोड़े दो एक पाव टमाटर लिए हैं, दो एग लिए हमने, चार हरी मिर्च लिए, हरे धनिए की गड्डी ली हमने, और अदरक है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, नमक है, भुना हुआ जीरा है, स्लाइस है, स्लाइस के कॉर्नर हम काट देंगे। उसके बाद हम ये आलू बॉईल करेंगे और प्याज भी है, फिर प्याज और आलू वगैरह जब ये बॉईल हो जाएंगे आलू, तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि मसाला बना के फिर हम लोग इसमें किस तरह करेंगे। पोटैटो हम बॉईल कर लेंगे, उसके बाद प्याज को हम कटिंग करेंगे बारीक अंडे की तरह, और सारा मसाला उसमें स्पाइसेस ऐड करके फिर आपको बताना स्टार्ट करते हैं। क्रम्स वगैरह भी लगेंगे इसमें। ये इतने ज़बरदस्त हमारे यूनिक व्हील बनेंगे हमारे ब्रेड के, मैं आपको बता नहीं सकती टी टाइम की। चलिए चाय के साथ बहुत मज़ेदार चीज़ है। पोटैटो हम बॉईल कर लेते हैं कटिंग करके पहले, फिर हम बाकी आपको प्रोसेस समझाते हैं। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके पास बहुत जल्दी आएगी। वहाँ ने टमाटरों को मैश कर लिया है, यानी कश कर लिया है, जो कद्दूकश का आता है ना उसके ऊपर टमाटर को हमने बारीक वाले हिस्से से, दो टमाटर लिए थे उसको हमने बारीक वाले हिस्से से इस तरीके से कर लिया। ये हमारे क्रम्स हैं ब्रेड के, ये हमारे स्लाइसेस की किनारे महाने कटिंग कर दिए हैं, इस तरीके से आपने भी करने कटिंग इसके। और ये हमारे एग हैं, अब इसको मैश करेंगे, इसके ऊपर हम व्हील को के अंदर मसाला भर के ब्रेड के फिर इसको हम तलेंगे, इस दिखाएंगे किस तरीके से हम फ्राई करते हैं। और ये पूरा ग्रीन मसाला है हमारा, हरी मिर्च है हमारा, अदरक है और हरा धनिया है, एक रेड चिली भी डाली है मैंने ताकि ज़रा कलरफुल हो जाए, एक रेड चिली भी डाली है इन्होंने ताकि कलरफुल अच्छा लगे। और ये सारे हमारे स्पाइसेस हैं, और आलू हमने कटिंग करके बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, वो हमारे पोटैटो बॉईल हो रहे हैं। जैसे वो बॉईल होंगे फिर हमने जो प्याज कटिंग की है, प्याज भी तो कटिंग की थी आपने, ये रही ना, ये महा ने प्याज भी कटिंग कर ली है, इसको हम पहले ऑयल में डालेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे ज़्यादा नहीं, और सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो पोटैटो हमने बॉईल किए थे वो भी हम डालेंगे मैश कर, फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये ब्रेड व्हील बनते हैं टी टाइम के, आप ज़रूर ट्राई करें मेरी और महा की रेसिपी से। चलिए अब आलू बॉईल होते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। मसाला रेडी कर रहे हैं उसका, जो हमने स्टफिंग भरनी है उसके अंदर, हमने ये जो प्याज कटिंग करके रखी थी ये महा ने ऑयल में डाल दिए, ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लेना बस नॉर्मल लेना, ये भी अभी हम निकाल लेंगे, हम दो तीन टेबल स्पून लिया ये भी हम निकाल लेंगे। ब्रेड व्हील का मसाला रेडी हो रहा है हमारे, ये महा लेकर आती है नए नए आइडियाज़ और मुझे भी बताती हैं, दिमाग में आते हैं, अभी इंशाल्लाह एक और चीज़ भी बनाएंगे। ये हमारे पोटैटो बॉयल हो गए थे, हमने इनको बॉयल कर दिया, हमने कवर उतार के इसका जो ऊपर का फिर करेंगे जल्दी हो जाता है। अब हम प्याज ऐड करेंगे, फिर सारे स्पाइसेस और पोटैटोस में डाल के ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज इस तरीके से हो गई है रेडिश हल्की सी, अब इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट, जो टमाटर कश किए थे ना महान है वो है, ये अब इसमें हम डालेंगे सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर, ये कम लगे तो और डालें, बता दें दोबारा से, कुटी मिर्च, नमक है और क्या है, हल्दी, हल्दी है और वो भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरे से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, सारा टेस्ट ही सीखा होता है, मज़ेदार। अब एड में हम डालेंगे पोटैटो और ग्रीन मसाला और हरी मिर्च, मैश करके डालेंगे, ये बहुत टेस्टी मसाला बनता है और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा टी टाइम के साथ। बहुत चाट का मसाला भी ऐड किया है, थोड़ा सा डाला है चाट के मसाले से, खटास आती है ज़बरदस्त। चलिए अब हम पोटैटो ऐड करेंगे इसमें, ये हमने इसमें पोटैटो भी ऐड कर दिए, अब ग्रीन मसाला ऐड करेंगे सारा, मैश करने के बाद इसमें ग्रीन मसाला, धनिया और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार, इतना सा काम था, ये वहाँ इसको मैश कर रही हैं, हाँ थोड़ा इसको मैश करेंगे ना, थोड़ा लेयर्स अच्छी लगेगी। ये देखिए हमारा ये पूरा मिक्स हो गया मिक्सचर, अब इसके अंदर महा हरा ग्रीन मसाला ऐड कर रही हैं, इसमें हमने डायन में चाट का मसाला भी ऐड किया था, आप भी चाट का मसाला ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें हम लहसुन अदरक भी हमने थोड़ा सा डाला है, अब इसमें हमने अदरक डाली है अभी और हमने धनिया डाला और मिर्च है, ऊपर से गार्निश कर दिया है,
अब इसको एक कोई रेड चिली भी डाल लेना तो कलर अच्छा लगेगा। रेड चिली हो तो डाल दीजिएगा। अब इसको थोड़ा मिक्स करके उसको ठंडा कर लेंगे। आप चलते हैं ब्रेड की तरफ। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त स्टफिंग बनी है इसकी, चटपटी मज़ेदार। ये देखिए हमारा मसाला कीजिए। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये हमारे स्लाइस हैं जो इसके हमने साइडें निकाल ली हैं। ये हमारी स्टिक्स हैं, इसका बहुत मेन काम है मैं बताएँ क्या आपको। और ये हमारे क्रम्स हैं। और माहा इसके अंदर आप एग तोड़ेंगे, एक या दो दो एग तोड़ेंगे, इसमें काली मिर्च डालेंगे और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, और उसको मिक्स कर लेंगे। जो बचेगा वो खा जाएंगे, जो बचेगा वो खा लेंगे। अब हम चलते हैं अपने व्हील तैयार करने के लिए ब्रेड के। ये माहा इसको मैश कर रही है एग को। आज चलिए अब हम आपको ब्रेड व्हील की फिलिंग करके दिखाते हैं। ये हमने स्लाइस रख ली है, इसके अंदर हम जो हमने ये बनाया हमने स्टफिंग, ये वो हम इसमें भरेंगे। अभी ये स्टफिंग भर रही है महा इसके अंदर। आपको भी इसी तरीके से बननी है, भरनी है। मुंह में पानी आ रहा है हमारे तो देख देख के इसको। हमें मज़े का इसका मसाला बना है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को पतला पतला लेयर्स ही लगानी है इसकी बस। इसको पूरा हम स्लाइस पे फैला देंगे। अब इसको करेंगे फोल्ड, किनारे भी साफ कर लें। और करूं? क्या करें फोल्ड इसको? नहीं, लेयर काफ़ी है थी। ये इस तरह के इसको हम फोल्ड करेंगे। चलो अब ये काम तुम्हारा है। हमने इसको फोल्ड कर लिया, अब इसके दो पीस कर रहे हैं हम। अब दो पीस करने के बाद इसको हम स्टिक में लगाएंगे, इस शेप में, इस तरह करके। चलिए लगा के दिखाएं माँ इसको, एक बना के दिखा दे। सारी ऐसी ही बनानी है। नीचे करके अब दिखाइए। ये इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। अब दूसरी भी हम इसी तरीके से जो हमने कटिंग किया था। अब इसको हम ये, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको अब एग में लगाएंगे और ब्रेड क्रम्ब में लगा के इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम सारे बनाते जाएंगे। ये देखिए हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए। इस तरीके से हमने बनाए सारे ना। शार्प की स्टिक में हमने लगा लिए कटिंग करके। कटिंग हमने आपको दिखा दिए थे, केक स्लाइस के हमने तीन किए हैं और उसको फोल्ड करके उसमें हमने स्टिक में लगा लिया। अब इसको हम एग और क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे। इतना खूबसूरत इनका शेप आया है, देखिए मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कि स्टिक कितनी ज़बरदस्त ये स्टिक लग रही है। अब इसको हम एग लगा के फ्राई करेंगे और क्रम्स। चलिए माँ लगा के दिखाएं। पहले एग लगाएंगे इसको, पहले एग लगाएंगे माँ, अब उसको हम क्रम्स लगा में डालेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। चलें क्रम्स में डालें। चलिए इसको फ्राई करने चलते हैं। सारे हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने रखना है ताकि ये जले ना। सारे हम इसी तरीके से रखते जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये फ्राई हो गया है व्हील। ज़बरदस्त से हमारे ये हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए। ये देखिए रेडिश हो गया है। बाकी सारे भी हम डाल रहे हैं इसी तरीके से। पहले इसको निकाल लो जो रेड हो गया। इतना ज़बरदस्त हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसको निकाल लेते सारे, बाकी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ऐसे गोल्डन कलर लाना है आपने जो सेंटर वाला है। ये देखिए ब्रेड व्हील हमारे फ्राई हो रहे हैं शानदार से। ये देखिए ये भी हमारे ज़बरदस्त से ब्रेड व्हील रेडी हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करते हैं, रेडिश करते हैं, इसको उतार लेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे करेंगे। पहले हम जल्दी इसको हाई फ्लेम पे करके उतार दें आपने, ठीक है, वरना ये जल जाएंगे। ज़बरदस्त हमारी बात भी नहीं हो रही थी। ज़बरदस्त हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमारे सारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए हैं। अब इसको हम गार्निश करते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। कितने ज़बरदस्त ही हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए हैं। ज़बरदस्त, ये देखिए हमारे ब्रेड व्हील बन के रेडी हो गए हैं। हमने इसको डिश में निकाल लिया है। कितने खूबसूरत ये हमारे क्रिस्पी ब्रेड व्हील बन के रेडी हुए हैं पोटैटो के साथ। हमने इसकी कैचअप रखी है। महा इसको गार्निश कर रही है, फ्लावर बरसा रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे धनिए से इसको हम गार्निश कर रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे ब्रेड व्हील बन के पोटैटो के रेडी हो गए। जल्दी से जाइए हमारी रेसिपी से इसको ट्राई करें और टी टाइम इंजॉय करें। अब मैं और महा चलते हैं गर्मा गर्म इसको खाने चाय के साथ। आप भी जाइए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नई रेसिपी जल्द से जल्द आएंगे।